नमस्कार कन्हैया बाबू, मैं अतुल मिश्रा बोल रहा हूँ। कन्हैया बाबू, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम भी बिहारी हो, हम भी बिहारी हैं। हालांकि तुम क्रांतिकारी हो और हम जैसे लोगों को भक्त, संघी, चड्डी इत्यादि नाना प्रकार के नामों से बुलाया जाता है। तुम उन सबको धन्यवाद, शुक्रिया बोले जो लोग जेएनयू के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। तो चलो एक बार मुआयना किया जाए कि वो लोग आखिर थे कौन। देखो, सबसे आगे थे युवराज राहुल गांधी, जो डेमोक्रेसी के भेष में राजतंत्र चला रहे हैं। हालांकि पिछले 3-4 सालों में धका पेल लपेटे गए हैं अलग अलग राज्यों में। दूसरे नंबर पे थे क्रांति मस्तक मणि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि दिल्ली में अब सर्वत्र खुशहाली का माहौल है, महिलाएं सुरक्षित हैं, शीला दीक्षित जेल में है, MCD खुश है, वाईफाई और CCTV से पूरे दिल्ली में रौनक है, नए स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, सशक्त लोकपाल पारित हो चुका है। कुल मिला के मैनिफेस्टो के सारे पॉइंट्स पूरे किए जा चुके हैं, इसलिए अब वो बाकी देश सुधार रहे हैं। बिहार में लालू को गले लगाकर करप्शन भगाए, फिर वेमुला की मौत पर सियासत करने के लिए हैदराबाद गए, आजकल JNU के चक्कर लगा रहे हैं, कहे कि फुटेज खाने की असली जगह वही है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं HOD ऑफ वामपंथ श्री येचुरी जी, जो बंगाल हार चुके हैं, केरला हारने वाले हैं और आखिरी किले के ध्वस्त होने की तिलमिलाहट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन सब का कोई पर्सनल गेन नहीं होगा मेरे ख्याल से, बड़े शुद्ध मन से तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा धन्यवाद भी बनता है। कन्हैया बाबू, तुमने कहा कि तुम लोकतांत्रिक हो और ये भी कहा कि तुम संविधान पर भरोसा रखते हो, मतलब जैसे कि शुरुआतें झूठ से हुआ। तो ये बताओ कि क्या अफजल गुरु की फांसी जो थी वो क्या असंवैधानिक थी? क्या उसे न्यायिक प्रक्रिया से वंचित रखा गया? क्या राष्ट्रपति असंवैधानिक पद है या उसका फैसला न्याय संगत नहीं है? तुम्हें संविधान में कोई भरोसा नहीं है, झूठ बोलने की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि जो वामपंथी क्रांति का जो रेज अगेंस्ट द सिस्टम होता है ना, वो तुम्हारे बहुत अंदर तक घर किया हुआ है। अच्छा, तुमने एक और बात कही कि JNU का जो विद्रोह था वो बहुत स्पॉन्टेनियस था। एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण, हम IT वाले हैं, सामान्यतः एक सॉफ्टवेयर बनाने में कई महीने लग जाते हैं, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर महीनों का काम हम हफ्तों में भी कर लेते हैं, कभी कभी तो कुछ दिन में भी कर लेते हैं। ये भी स्पॉन्टेनियस होता है। अब पूछो क्यों? क्योंकि आदत है, एक्सपीरियंस है, तैयारी, प्लानिंग उस चीज़ की करते हैं जिसका अनुभव कम है या नहीं है। अब JNU वाले तो कुख्यात हैं बेसर पैर की क्रांति करने के लिए। अब इसको आप स्पॉन्टेनिटी कहिए या अभ्यास कहिए, सब एक ही बात है। अच्छा, एक और बात कही तुमने कि हम भारतीय भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। ठीक कहा। अब क्रांति शुरू हुई थी भारत के टुकड़े कराने के लिए, लेकिन उसकी तो अब कोई बात ही नहीं करता, ना तुम करते हो, ना केजरीवाल करते हैं, ना राहुल गांधी, ना येचुरी, ना मीडिया, भूल गए होंगे शायद। अब फिर कहते हो कि भारत से नहीं, भारत में आज़ादी चाहते हो। वाह, तुम भी भूल गए। कश्मीर की आज़ादी के सपने शायद पुलिस के डंडे के साथ छूमंतर हो गए। खैर, ठीक हुआ, क्योंकि अगर मामला आर्मी तक पहुंचता तो तकलीफ तो होती होती, साथ में दर्द भी होता। अच्छा, फिर तुमने अपने हेविली सब्सिडाइज्ड एजुकेशन को खूब जस्टिफाई किया कि जो कमाया है वही खा रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि कुछ नहीं कमाया और खाया दबा के, वो भी 10-10, 15-15 साल, और फीस में छूट पढ़ाई के लिए दी गई है, क्रांति के लिए नहीं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, काहे कि ना तो तुम अकेले गरीब हो और ना ही अकेले होनहार। अब हमारे ही बिहार का कोई गरीब लड़का PhD करने के लिए JNU का मुंह ताक रहा होगा, लेकिन एडमिशन कैसे मिले भैया, यहाँ तो क्रांति चल रही है। तुमने कहा कि JNU पर जो हमला था वो नियोजित था, पूर्व नियोजित था, ये भी ठीक कहा। हमारा एक संविधान है, IPC है, उसमें धाराएं हैं, अलग अलग प्रावधान है, चोरी के लिए अलग, हत्या के लिए अलग, देशद्रोह के लिए अलग, जिसके लिए तुम अंदर गए थे। ये सारा पूर्व नियोजन जो है वो हमारे महान लॉ मेकर्स करके गए हैं, आपके आराध्य बाबा साहब भी थे उसमें। अब जब कोई बुरा काम करेगा तो पकड़ा जाएगा, वाजिब सजा भी पाएगा, ये सब नियोजित है और निर्धारित भी। देखिए, अब आप बड़े घर का हवा खा के आए उसी प्रणाली के अंतर्गत, बेल पर छूट भी गए, आप बाहर निकले गरज रहे हैं उसी प्रणाली के अंतर्गत। तुमने सीमा पर मरते हुए जवान के लिए कहा कि तुम्हारा भाई है क्या? देखो, पहली बात तो ये कि एक बहुत ही संवेदनहीन टिप्पणी थी, और दूसरी बात, जिस पार्टी पर कीचड़ उछाल रहे हो उसे एक बार बारीकी से स्टडी करो, न जाने कितने VK सिंह, कैप्टन अभिमन्यु, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे लोग निकल आएंगे। और एक बार अपने लाल सलाम खेमे की ओर देखना कि नक्सली कितने और जवान कितने। लेकिन जानना चाहते हो तो सुनो, हमारे दादा परदादा भी किसान थे और हमारे भाई बंधु सेना में भी हैं। तुमने कहा कि एक्स आर्मी मैन का रिमोट कंट्रोल नागपुर में है, मतलब वो RSS के द्वारा संचालित है। दुनिया में दो ही अनुभव शुद्ध हैं कॉमरेड, पहला शौर्य
जो तुम में बिल्कुल नहीं है, और दूसरा सिंगल मॉल्ट जो खरीदने के लिए कमाना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए तो कॉलेज से निकलना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना और मेरा कहना और मेरी हिदायत यही है कि आर्मी वालों से दूर रहो। उनकी सटक गई तो लाल सलाम की जगह पे मेजर सलाम, ब्रिगेडियर सलाम, जवान सलाम, यही निकलेगा सुबह शाम। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तुम्हारी मुख्य मांग थी आज़ादी गरीबी से, शोषण से, असमानता से, पूंजीवाद से, मनुवाद से, दलितों पर अत्याचार से, आतंकवाद से। बहुत अच्छी मांगे हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल भी है यहाँ पे। ये बताओ कन्हैया बाबू कि गरीबी जो है वो 1.5 साल पहले आई क्या? शोषण 1.5 साल पहले आया, असमानता 1.5 साल पहले आई, पूंजीवाद 1.5 साल पहले आया, मनुवाद 1.5 साल पहले आया? क्या दलितों पर अत्याचार 1.5 साल पहले शुरू हुआ? आतंकवाद 1.5 साल पहले आया? हमारे हिसाब से तो काफ़ी टाइम से हैं ये सब चीज़ें अपने देश में, तो ये चेतना कहाँ थी अभी तक? मोदी के पीएम बनने का इंतज़ार कर रही थी क्या? और अगर छोटा भीम आ जाता तो नो शोषण, नो पूंजीवाद, नो दलितों पर अत्याचार। अच्छा, केजरीवाल को तुम मानते भी हो और सच्चे दिल से फॉलो भी करते हो, ये सुनकर, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। देखो, केजरीवाल जी को अक्सर कुछ लोग मिल जाते हैं, जैसे कि सड़क पर भीख मांगने वाला एक बच्चा अक्सर उनकी बड़ाई करके निकल जाता है। कभी कुछ पत्रकार उन्हें बताते हैं कि कैसे पूरी कायनात उनके खिलाफ है और मोदी के साथ है। सीनियर ब्यूरोक्रेट जो हैं वो अक्सर उन्हें अंदर के सीक्रेट बताते रहते हैं। पुलिस वाले बताते हैं कि कैसे वो इतनी मोहब्बत के बावजूद भी उनके साथ बदसलूकी करने को बाध्य हैं। पता है इन लोगों की विशेषता क्या है? ये सब अननोन और अननेम्ड लोग होते हैं, ठीक उसी पुलिस वाले की तरह जो तुम्हारा अनन्य मित्र बन गया था, जो लाल सलाम के बारे में कौतूहलवश पूछ रहा था। अगर वो काल्पनिक ना होता और असली डंडाधारी पुलिस वाला होता और उसे पता चल जाता कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो पुलिस की जीपें उड़ाते हैं वो सब लाल सलाम वाले होते हैं, तो तुम्हारे तबले सुझा देता। तबले समझते हो ना? खाली पैंतराबाजी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कन्हैया बाबू पैतराबाजी तो रविश कुमार की भी नहीं चली थी, जब बिजली बत्ती बुझा के अंधेरा करके अपने स्टूडियो में पता नहीं क्या क्या बक रहे थे। अच्छा, एक जोक बड़ा अच्छा मारे तुम कि जेएनयू वाले भारी टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। 16 आने सही बात है। इंसान जो है वो दो केस में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, एक तो तब जब बहुत ज़्यादा जानता हो और दूसरा तब जब नॉलेज थोड़ी कम हो। अब तुम लोग जेएनयू से बाहर तो निकले नहीं, थोड़ा बहुत लाल सलाम साहित्य पढ़ लिए, थोड़ा झोला छाप कॉमरेडों का भाषण सुन लिए, चाय पी लिए, मोमो खा लिए, इससे भाषा हो गई भारी, ज्ञान हो गया हल्का और आवाज़ हो गई तेज। अच्छा लगा ये जान के कि तुम अपने आप को हिंदू बताने में थोड़ा सकपका गए, तकरीबन 2-3 सेकंड का पॉज था, और वो ठीक भी था। जेएनयू एक एलीट संस्था है और हिंदू धर्म वहाँ पर आउट ऑफ वोग है, क्योंकि सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य समझने लायक ना तो वहाँ पर किसी में विवेक है और ना ही मंशा। तुम हिंदू नास्तिक हो, हिंदू नास्तिक। देखो, हिंदू नास्तिक कहना जरूरी नहीं है, मतलब हिंदू लगाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म ही इतना परिपक्व है जो किसी को नास्तिक बनने की आज़ादी देता है। यहाँ पर कोड़े और पत्थर नहीं पड़ते। अच्छा, नास्तिक से याद आया, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कौन कर रहा था? तुम तो खैर नहीं थे, तुम करने वाले नहीं थे, तुम कराने वाले की टीम में थे। तुम्हारी नास्तिकता बड़ी सिलेक्टिव है यार, माशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं प्रधानमंत्री पर। वैसे माननीय प्रधानमंत्री बोलना जरूरी नहीं है, तुम्हारे जो परम पूज्य आराध्य देव श्री केजरीवाल जी हैं वो तुमने कावर्ड, साइकोपैथ और पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं। मोदी जी ना बुरा माने ना रिएक्ट किए, बस इग्नोर कर गए। तुमने कहा कि मोदी ख्रुशेव की बात कर रहे थे, स्टालिन की बात कर रहे थे, तुम्हारा मन किया कि उनका सूट पकड़ के बोलें कि महाशय जरा हिटलर की भी बात कर लो। वाह वाह झोला छाप कॉमरेड, वाह, बहुत उत्तम विचार हैं आपके। पहली बात तो तुम हिटलर कहते हो और सूट पकड़ने की इच्छा भी रखते हो। अगर मोदी तानाशाह होते तो सूट तो छोड़ो, बूट छूने की कल्पना भी नहीं कर पाते। जुमले से बड़ी परेशानी है तुम्हें, मोदी के जुमलों से बड़ी परेशानी है ना? पर मन की बात, माँ की बात, ये सारे जुमले बोलते हो। समानता के लिए लड़ते हो पर खुश इसलिए हो क्योंकि जेएनयू इकलौती ऐसी संस्था है जहां पे आरक्षण मिलता है, दबा के आरक्षण मिलता है। ये कहते हो कि मोदी को 69% लोगों ने नकार दिया, लेकिन डेमोक्रेसी है बालक, यहाँ स्वीकारने वालों की संख्या देखते हैं, नकारने वालों की नहीं। और मोदी को जो स्वीकारने वालों की संख्या है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तुमने कहा कि लड़ाई लंबी है, चलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह चलेगी। लाल क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसका ना आदि है, ना मध्य, ना अंत। नीला कटोरा जैसा तुम्हें जेल में मिला था, वैसा ही नीला कटोरा एक आसमान का है, उसके नीचे लाल कटोरा क्रांति से बहे खून का। बहाते रहो, नेतागिरी झाड़ते रहो, हर बात पर ताली बजाने वाले टटपूंजे समर्थकों के बीच घिरे रहो, अपनी गरीबी बेचो, दूसरे की मौत बेचो, माँ बाप का दर्द बेचो, माइक पे चीखो, जेल जाओ, फिर आओ,
और ये सारा क्रम फिर से दोहराऊं। धन्यवाद।